नमस्कार दोस्तों, यह है ज्ञानधारा चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आज की शिक्षा जगत की प्रमुख खबरों के बारे में। तो यूपी गवर्नमेंट द्वारा एक बड़ा बदलाव किया गया है, विश्वविद्यालयों में शिक्षक भर्ती के लिए अब लिखित परीक्षा होगी। तो जो बदलाव किया गया है उसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। 20 अंकों की लिखित परीक्षा और PPT मतलब पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से 20 अंक निर्धारित किए गए हैं और असिस्टेंट प्रोफेसर पद पर अब केवल 10 अंकों के साक्षात्कार होंगे। तो पूरी खबर को हम लोग देख लेते हैं ध्यान से कि प्रदेश के सभी राज्य विश्वविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर की भर्ती में बड़ा बदलाव किया गया है। इसमें चयन में कुलपतियों की मनमानी पर अंकुश लगाया जाएगा और असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर साक्षात्कार के लिए केवल 10 अंक होंगे और पहली बार 20 अंकों की लिखित परीक्षा का भी प्रावधान किया गया है। चयन समिति के सामने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन पर 20 अंक तय किए गए हैं। राज्य विश्वविद्यालयों की कुलाधिपति व राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने इस संबंध में आदेश जारी किया है। तो आइए देख लेते हैं और जो डिटेल्स हैं इसके बारे में उसको देख लेते हैं। तो असिस्टेंट प्रोफेसर की जो भर्ती होगी उसमें आपको जो अंक मिलेंगे वो आपको देखना है। तो लिखित परीक्षा पे 20 अंक निर्धारित किए गए हैं। शिक्षण कौशल की जानकारी एवं प्रस्तुतिकरण व कंप्यूटर ज्ञान के लिए 20 अंक, स्नातक, स्नातकोत्तर, MPhil तथा समतुल्य डिग्री के आधार पर बेसिक अकादमिक स्कोर 20 अंक का होगा। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित व्यवस्था के अनुसार API एकेडमिक परफॉर्मेंस जो इंडेक्स है वो आपका 30 अंकों का होगा व साक्षात्कार 10 अंकों का होगा। तो कुल मिलाकर 100 अंकों की जो है ये भर्ती परीक्षा होगी। और आपको बताते चलें कि जो लिखित परीक्षा होगी वो बहुविकल्पी होगी, ठीक है। और अगली जो खबर आ रही है वो है एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर की भर्ती को लेकर के। तो एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर की भर्ती में साक्षात्कार के ही केवल अंक होंगे, उसमें अलग से कोई वेटेज नहीं दिया जाएगा। तो एक ये बड़ी खबर निकल के आ रही थी यूपी गवर्नमेंट की तरफ से। अगली जो खबर है वो आ रही है उत्तर प्रदेश जो है माध्यमिक विद्यालयों में टीचरों के नियुक्ति के लिए। तो आपको बताते चले हाल ही में यूपी TGT तथा PGT के तहत बहुत सी भर्तियां निकली हुई थी। तो चयन बोर्ड की जो TGT और PGT प्रवक्ता भर्ती के लिए अब तक कुल 14 लाख आवेदन प्राप्त हो चुके हैं। सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के लिए बोर्ड ने 15 मार्च से शुरू की थी प्रक्रिया। आपको मालूम है कि TGT व प्रवक्ता के 15,198 पदों पर जो है भर्ती होनी है। तो अगली खबर हम लोग देख लेते हैं। अगली खबर आ रही है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की तरफ से, जिसमें UGC ने अगले सत्र के लिए विशेषज्ञ समिति द्वारा तैयार ड्राफ्ट विश्वविद्यालयों को भेजा है। 6 जून तक सभी से सुझाव मांगे हैं। 40% ऑनलाइन व 60% ऑफलाइन पढ़ाई करने की तैयारी चल रही है। नई शिक्षा नीति में किया गया है प्रावधान। तो शैक्षणिक सत्र 2021 में विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में 40% पाठ्यक्रम की पढ़ाई ऑनलाइन होगी, ठीक है। और दरअसल नई शिक्षा नीति में इसका प्रावधान किया गया है। आगामी सत्र से स्कूल से लेकर उच्च शिक्षा में नई शिक्षा नीति के तहत पाठ्यक्रम और कोर्स की पढ़ाई होगी। इसी के तहत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग इस योजना पर काम कर रहा है। अगली जो खबर है उसको हम लोग देख लेते हैं। अगली जो आ रही खबर वो है आपकी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की तरफ से, जहां पर APS भर्ती का विज्ञापन फंसा हुआ है। 8 साल पुरानी भर्ती अब तक नहीं पूरी की जा सकी है UPSC के द्वारा। अगली जो खबर आ रही है वो है आपकी, जो कि हाईकोर्ट ने ब्यौरा मांगा है बोर्डों और आयोगों के चेयरमैन से। और जो भी बोर्ड और आयोग है उसमें चेयरमैन, उपाध्यक्ष के जो पद हैं रिक्त हैं उनका ब्यौरा तलब किया है। हाईकोर्ट ने जवाब तलब होने के बाद शासन से जानकारी मांगी है, ठीक है। तो अगली जो खबर है उसको हम लोग देख लेते हैं कि ऑनलाइन पढ़ाई तो शुरू हो चुकी है, 10वीं और 12वीं की परीक्षार्थी परेशान हैं। बात की जा रही है यूपी बोर्ड की। तो हाई स्कूल में प्रमोट करने की तैयारी चल रही है, इंटर का क्या होगा ये अभी तक तय नहीं हुआ है। शासन ने हाई स्कूल और इंटर पर अधिकृत तौर पर फैसला नहीं किया है, तो वे किस कक्षा में पढ़ाई करें यह सवाल उठ रहा है। तो अगली जो खबर है वो हम लोग देख लेते हैं कि बोर्ड परीक्षा में देरी से पिछड़ेगा MN, NIT और IIIT में प्रवेश। तो जो बोर्ड परीक्षाएं लेट में होंगी
तो जो भी उच्च शैक्षणिक संस्थान है उनमें प्रवेश में बाधा आएगी। तो अगली जो खबर है उसको हम लोग देख लेते हैं। अगली खबर आ रही कि मृत शिक्षकों के आश्रित अब बन सकते हैं लिपिक। शासन, कार्मिक, वित्त विभाग एवं बेसिक शिक्षा परिषद 20 माह से जुटा हुआ है। अब जल्द ही शासनादेश भी जारी होने की उम्मीद है। तो उम्मीद है कि आपके ये जो शैक्षणिक जगत की जो खबरें हैं वो आपके लिए महत्वपूर्ण रही होंगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, जिससे कि उनको भी भूगोल से जुड़ी हुई जानकारियाँ व शैक्षणिक जगत से जुड़ी हुई जानकारियाँ मिल सकें। धन्यवाद।